हिम परम पिता आशीष दो प्रभु कृष्णा आशीष दो पवन आत्मा तेरे चरणों में हम आए हैं ये जीवन अपना लाए हैं पूजा न करनी अर्चना न करनी वंदना करनी हम आए हैं पूजा न करनी अर्चना करनी वंदना करनी हम आए हैं आशीष दो हे परम पिता आशीष दो प्रभु कृष्णा आशीष दो पवन आत्मा तेरे चरणों में हम आए हैं ये जीवन अपना लाए हैं हम आए हैं ये जीवन अपना लाए हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए। प्रभु ने हमें फिर से एक और दिन देखने का सौभाग्य प्रदान किया है, तो आइए हम अपना जीवन को समर्पित करते हैं, सारे कार्यों पर, अपना जीवन पर, अपने परिवारों पर, हमारे प्रियजनों पर प्रभु की आशीष बरसाने के लिए, कृपाओं बरसाने के लिए प्रभु से हम प्रार्थना करें और इस मिस बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए, प्रभु के वचनों को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। जो भी पाप हमने किए हैं, हमारे कमज़ोर स्वभाव के नाते, सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए क्षमा याचना करते हुए प्रायश्चित हृदय से हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तो कुआरी धनी मरियम से सब स्वर्गदूतों संतों और आप लोगों से हे भाइयों बहनों विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हे प्रभु हम पर दया कर, हम प्रार्थना करें। हे प्रभु जैसे जैसे मुक्ति का पर्व निकट आ रहा है, हम भक्ति पूर्व पास का समारोह मनाने के उतने ही योग्य बनते जाए। हमारी यह दिन प्रार्थना है अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज करते हैं। शिष्य तक युग रीति से प्रभु के वचन को सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 से 28। यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती। प्रभु यह कहता है, मैंने उन्हें यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे
तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम होंगे मेरी प्रजा। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन तुम्हारे पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को तुम्हारे पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बात बता दोगे किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती रही। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख से चली गई है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम प्रभु के सामने आनंद मनाएं, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाएं, भजन गाते हुए उसे धन्य कहें। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। यही तो हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की प्रजा, उसकी अपनी भेड़े। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ, जैसा कि पहले मरीबा और मस्सा की मरी भूमि में हुआ था। उस दिन तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी परीक्षा ली, मेरे कार्यों को देखते हुए भी उन्होंने मुझ में विश्वास नहीं किया। अनुवाक्य। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। जय घोष। प्रभु कहता है, सारे हृदय से मेरे पास लौट आओ और मैं प्रेम पूर्वक तुम पर दया करूंगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है। ये सुने किसी दिन एक अपदूत निकाला जिसने एक मनुष्य को गूंगा बना दिया था। अपदूत के निकलते ही वह गूंगा बोलने लगा और लोग अचंभे में पड़ गए। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, यह अपदूतों के नायक बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता है। कुछ लोग येसु की परीक्षा लेने के लिए उनसे स्वर्ग की ओर का कोई चिन्ह मांगने लगे। उनके विचार जानकर येसु ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर ढह जाता है। यदि शैतान अपने ही विरुद्ध विद्रोह करने लगे तो उसका राज्य कैसे टिक सकेगा? तुम कहते हो कि मैं बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ। यदि मैं बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालता हूँ तो तुम्हारे बेटे किसकी सहायता से उन्हें निकालते हैं? इसलिए वे तुम लोगों का न्याय करेंगे।
परंतु यदि मैं ईश्वर के सामर्थ्य से अपदूतों को निकालता हूँ तो निस्संदेह ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। यदि कोई बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता हो तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित रहती है, पर यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे तो जिन हथियारों पर उसका भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता है और उसका माल लूटकर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यह वो प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती। प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में यिर्मयाह इज़राइल लोगों का स्वभाव के बारे में यहाँ जिक्र करते हैं और वर्णन करते हैं। यिर्मयाह ने ईश्वर ने जो वचन सुनाया था लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, और प्रस्तुत करते हुए यह कहते हैं, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि कोई भी राज्य में फूट पड़ जाती है तो वह राज्य उजड़ जाता है। दोनों पाठों द्वारा हमें ईश्वर पर भरोसा रखने के लिए, उनके आज्ञाओं का पालन करने के लिए और ईश्वर के प्रति निष्ठावान रहने के लिए आमंत्रित करते हैं। सुसमाचार में हम देखते हैं कि किस प्रकार शास्त्री यीशु का विरोध करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि फरीजी, सदूकी, यहूदी प्रभु यीशु का विरोध क्यों किया? हम जानते हैं कि मानव स्वभाव या ह्यूमन नेचर हम कहते हैं कि जब प्रभु यीशु ईश्वर के सामर्थ्य से भले कार्य कर रहे थे, अंधों को दृष्टि दे रहे थे, लंगड़ों को चलना सिखा रहे थे, या मुर्दों को जीवन दान दे रहे थे, या भूखों को खिला रहे थे, यहूदी लोग ये सब देखते हुए उनसे जलते थे, उनसे ईर्ष्या करते थे और प्रभु यीशु को मसीह के रूप में मानने में असमर्थ रह जाते थे। और आज उनका स्वभाव यहाँ पर जिक्र किया है कि और जब प्रभु ने जब भले कार्य करने के बाद उनके प्रति यहूदी लोग एक कहते हैं कि प्रभु यीशु बेलज़बुल की मदद से अपदूतों को निकाल देते हैं और रोगियों को चंगा करते हैं। लेकिन प्रभु अपने तर्क द्वारा उनके पास जो शक्ति है वो कौन सी शक्ति है और वो शक्ति क्या है उनके सामने स्पष्ट करते हैं। एक बात जानना जरूरी है कि विज्ञान और चिकित्सा में ज़्यादा विकास नहीं हुआ था। लोगों को कोई भी बीमारी होती या कष्ट आता था तो उनका यह सोचना था कि वे शैतान के प्रभाव से पीड़ित थे। उनका यह मानना था कि उन पर ईश्वर के आशीष होना और ईश्वर के मध्यस्थता से या मदद से ही वे लोग चंगे हो सकते थे। प्रभु ने अपना सार्वजनिक जीवन में ईश्वर के शक्ति से बहुत सारे लोगों को चंगा किया, क्योंकि प्रभु में ईश्वर की शक्ति विद्यमान थी। ठीक उसी प्रकार प्रभु के विरोधी प्रभु के शक्ति को नहीं पहचान पाए और आध्यात्मिक रूप से वे सब के सब अंधे हुए थे। ईर्ष्या करने में, द्वेष करने में, घमंड करने में अंधे हुए थे। प्रभु आज यह संदेश देना चाहते हैं कि शारीरिक बीमारी शायद किसी प्रकार का हो, कुछ इलाज से
या वैद्य की मध्यस्थता से वो व्यक्ति ठीक हो सकता है, लेकिन मानसिक बीमारी या मन की बीमारी अर्थात मन की बुराइयां जैसे गलत सोच, संशय, द्वेष हम एक दूसरे से करते हैं, उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। इसलिए यह सब ईश्वर की कृपा से ही हमें चंगाई मिल सकती है। हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि काफ़ी बार हमारा वर्ताव इस प्रकार का है कि हम ईश्वर की कृपाओं के प्रति ईश्वर को हम धन्यवाद देना भूल जाते हैं, चाहते हैं कि कई बार हम आध्यात्मिक फल को उत्पन्न नहीं कर पाते क्योंकि हम आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सही बुद्धि दे, सही ज्ञान विवेक हमें सामर्थ्य दे, ताकि हम भी आध्यात्मिक रूप से प्रभु को पहचाने, उनके सामर्थ्य पर विश्वास करें और प्रभु की महिमा अपना दैनिक जीवन में प्रकट करें। प्रभु हमारे साथ रहता है, वह हमारा उद्धारक है, हम सबों का ख्याल रखता है, वह हमारी रक्षा करना चाहता है। हमें अपना जीवन को संपूर्ण रीति से समर्पित करना है। जैसे हम देखते हैं कि इज़राइल जनता ने ईश्वर पर विश्वास करते भी और मूसा ने लोगों को मिस्र देश से उन्हें छुड़ाकर वापस लाया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु भी हमारे कमजोरियों के प्रति हमें लड़ने के लिए ताकत एवं सामर्थ्य देना चाहता है। तो प्रभु की कृपा के लिए अपने दिल एवं मन को खोलते भी अपना दैनिक जीवन में आंतरिक चंगाई पाएं। आमेन। स्वीकारो स्वामी दीर्घ मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी तुझे राग रस हमें लेके आए हैं, तुझे को चढ़ाने जीवन में आशा है तेरे प्यार की, हमें सुख आए तेरे दर्शन में, स्वीकारो स्वामी भेंट मेरी भक्ति भरी श्रद्धा भरी, स्वीकारो स्वामी। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा को बुराई के हर कलंक से शुद्ध कर, ताकि इसके उपहार तुझे प्रसन्न करे, जिसे तू अपना सच्चा पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा की है, उसे क्षण भंगुर सुख में फंसे ना रहने दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है।
हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने अपने पुत्र पुत्रियों को हृदय परिवर्तन और शुद्धिकरण के लिए एक पवित्र अवधि प्रदान की है, ताकि संसार की भ्रांतियों से मुक्त होकर वे आसाई वस्तुओं का इस भांति उपयोग करे कि चिरस्थाई वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहे। इसीलिए समस्त दूत और संतों के साथ मिलकर तेरी स्तुति करते हुए हम निरंतर घोषित करते हैं। प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन अपारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे।
इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से डर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों का अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के दाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से, शारीरिक बीमारियों से, मानसिक बीमारियों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति, आशीष, चंगाई एवं अन्य कृपाएं प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू ज्ञान की जीता और राज्य करता है, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति विवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं।
धन्य हम सब इस प्रभु के बोझ में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु येसु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। हे प्रभु, तूने अपना विधान इसलिए घोषित किया है कि हम उसका पूरा पूरा पालन करें। मैं तेरे आदेशों को पूरा करने में सदा दृढ़ बना रहूं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तू इस संस्कार से जिन लोगों का पालन पोषण करता है, दयापूर्वक उनकी सहायता कर, हम इस संस्कार द्वारा मुक्ति का फल प्राप्त करें और उसे अपने आचरण में प्रकट करें। हे प्रभु, हम तेरी प्रेममय दया पर आस्था रखते हैं, तुझ में ही हमारा अस्तित्व है। ऐसी कृपा कर कि हम तेरी इच्छाओं को अपनाएं और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे ईश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न, ईश्वर को से प्यार किया, क्रूस पे अपना जीवन दिया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता। सारे जगत से प्यार किया, दिल में अंधेरा रहा, तूने दी रोशनी, जिसने भी पाया तुझे उसको मिली जिंदगी। पापी जगत से प्यार किया, सारे जहां का उद्धार किया। मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु मुक्तिदाता।